खबर गाजीपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव एवं जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी को पत्र सौंपा। मीडिया से बात करते हुए विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि जंगीपुर लावा सुभाखरपुर रायपुर मार्ग कई वर्षों से जर्जर व क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे क्षेत्र के पढ़ने वाले छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, व्यापारी व किसान आए दिन दुर्घटना का शिकार बनते रहते हैं। इस मार्ग का निर्माण न होने से जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की सड़क निर्माण की बड़ी समस्या को लेकर वे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी, जिला अधिकारी, अधिशासी अभियंता को कई बार पत्रक देकर निर्माण की बात कर चुके हैं। इसके बावजूद भी जनता की इतनी बड़ी समस्या पर सरकार और प्रशासन का ध्यान नहीं जा पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इसे देखते हुए आज जिला अधिकारी से 15 दिन के अंदर सड़क पर कार्य शुरू करने की मांग करते हुए इस बात को कहा कि अगर कार्य शुरू नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। देखिए, हम अपने जंगीपुर की एक बड़ी रोड की समस्या, जो जंगीपुर लावा सुभाखरपुर रायपुर संपर्क मार्ग है, ये जब से माननीय श्री अखिलेश यादव की सरकार गई है तब से लेकर और अब तक एक बार भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार, दूसरी टर्म की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो लगातार ये बार बार कहती है कि हम गड्ढा मुक्ति करने का काम कर रहे हैं, आज तक 7 साल हो गए, वही 8वां साल प्रारंभ हो गया है। इन लगभग 8 सालों में उस रोड पर एक खांची भी गड्ढा मुक्ति के नाम पर कंकरीट नहीं पड़ी है। दूसरी तरफ उस रोड पर हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, उसके साथ साथ मैं एक्सीएन से लेकर के प्रमुख सचिव और एनसी से लेकर के मुख्य सचिव तक उस रोड की मांग मैं उठा चुका हूं। और उसके बाद अभी हाल ही में मैंने उस रोड की जन समस्या को लेकर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला था और मिल करके उस जन समस्या को उनके सामने रखने का काम किया था, हाँ जोड़ कर निवेदन करने का काम किया था, लेकिन अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी लेटर या चिट्ठी या संदेश जिला प्रशासन के यहाँ नहीं आ पाया। तब मैं आज पत्रक के रूप में मैं जिलाधिकारी गाजीपुर को उस रोड पर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर अगर उस रोड की समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग बाध्य होंगे आंदोलन करने के लिए, हम लोग मजबूर होंगे अपनी बात जनता में रखने के लिए। इसलिए मैं आज डीएम साहबा को मैं उस रोड के लिए पत्रक देने के लिए आया था। क्या कोई बात कही गई उनके द्वारा? अब वो आश्वासन दे रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्द बनवा दूंगी, अब देखना है कब तक बनवा रहे हैं। क्या लगता है सरकार जो है बदले की भावना के साथ काम कर रही है? हम लोग विपक्ष के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। अगर बदले की भावना से काम नहीं करती तो वो रोड अब तक बन गई होती। लगभग 8 साल हो गए, 8वां साल प्रारंभ हो गया है और 8 साल में गड्ढा मुक्ति के नाम पर एक पैसा भी उस रोड पर नहीं आया है। विधायक जी, अगर इसके अलावा बात किया जाए तो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पेश किया है कि मुस्लिम महिलाओं को जो है गुजारा भत्ता देने की बात कही है, जबकि जो है मुस्लिम जो भी मौलाना है इसका विरोध कर रहे हैं कि उनका जो शरीयत के अनुसार जो कानून चलेगा। देखिए, इस पे हम बहुत हम स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं इस पर बयान नहीं दे सकता। क्या लगता है इससे मुस्लिम महिलाओं का जो है मान सम्मान बढ़ेगा या क्या लग रहा है? देखिए, चूंकि उसमें क्या गाइडलाइन है, क्या नियम कानून है, अभी हम उसको हम देख नहीं पाए हैं, इसलिए मैं बयान नहीं दे सकता।